सीरीज जीत के लिए दोस्त को धोखा देंगे हार्दिक पांड्या। इस तूफानी बल्लेबाज से चौथे टी20 में करवा सकते हैं ओपनिंग। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मैच कल यानी शनिवार रात 8 बजे अमेरिका में खेला जाएगा। 5 मैचों की टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज 2-1 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे। चौथे टी20 मैच में भारत की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हो सकता है। किसी स्टार खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। चौथा टी20 हो सकता है बड़ा बदलाव। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन के दम पर जीत हासिल की। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के दम पर टीम इंडिया ने यह मैच जीता। सूर्य कुमार ने 44 गेंदों पर 83 रन बनाए जबकि तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन बनाए। अब टीम के लिए चौथा मैच जीतना बड़ी चुनौती होगी। भारत को अगर टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतनी है तो उसे बाकी दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। टीम इंडिया अपनी गलतियों के कारण 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या को कड़ा फैसला लेना होगा और चौथे टी20 मैच में शुभमन गिल को बाहर करना होगा। वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला शांत रहा। शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मैच में हार्दिक पांड्या उनकी जगह विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दे सकते हैं। ईशान किशन क्रीज पर आते ही कुछ ही गेंदों में मैच की तस्वीर बदल देते हैं। ईशान किशन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। वे और यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में एक साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। गिल तीनों मैचों में कुछ खास नहीं कर सके। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले 3 मैचों में शुभमन गिल ने 5.33 की औसत से सिर्फ 16 रन बनाए। शुभमन गिल पहले 3 मैचों में 3, 7 और 6 रन ही बना सके। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच से शुभमन गिल बाहर हो सकते हैं और कप्तान हार्दिक पांड्या उनकी जगह विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल नई ओपनिंग जोड़ी बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।